Hello everyone, welcome to our channel. So today we are going to start a new topic, a new set of practice questions for the topic communication for paper 1 for UGC NET exam. So ये जो communication का topic है ये बहुत ही easy topic होता है, बहुत ही direct questions आते हैं इसमें, but कई बार इसमें कुछ ऐसे terms options में मिल जाते हैं जिसकी वजह से हमें confusion create हो जाती है. Otherwise ये questions बहुत easy होते हैं, 5 questions आते हैं और बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं. सो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ. बट उसे स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आपने हमारे चैनल अनुज जिंदल को सब्सक्राइब कर दिया होगा. अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ बेल बटन दबा के उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सारे हमारे अपडेट्स और अपलोडेड वीडियोज़ को देख सकें. अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे. अ गुड कम्युनिकेटर बिगिंस हिज हर प्रेजेंटेशन विथ विच ऑफ द बिलो एलिमेंट्स. बहुत ईजी और डायरेक्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छा कम्युनिकेटर जो होता है वो अपनी प्रेजेंटेशन इनमें से किस एलिमेंट से शुरू करता है. लेट अस हैव अ लुक एट द ऑप्शंस नाउ. इज इट ए कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, इज इट बी नॉन सेक्यूटर, इज इट सी रेपिटेटिव फ्रेज और इज इट डी आइस ब्रेकर. अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स हैं ऑप्शंस में जो समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, अदरवाइज हमारा ये आंसर गलत हो सकता है. सो एक बार टर्म्स को इवैल्यूएट कर लेते हैं. कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, क्या एक गुड कम्युनिकेटर को एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के साथ अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं. ऐसा करने से जो ऑडियंस है वो कन्फ्यूज हो जाएगी और उसका मोराल भी गिर जाएगा. सेकेंड वर्ड नॉन सिक्योटर. अब इस टर्म को समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए. तो नॉन सिक्योटर का मतलब होता है अ स्टेटमेंट दैट इज नॉट फॉलोइंग अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट और अ लॉजिकल स्टेटमेंट. मतलब जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारा एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट बिल्डअप होना चाहिए. अदरवाइज अगर कोहरेंस नहीं रहेंगी स्टेटमेंट्स में या फिर एक स्टेटमेंट लिंक्ड नहीं होगा सेकेंड स्टेटमेंट से तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकता. सो इसलिए नॉन सिक्योटर भी नहीं है आंसर. थर्ड रेपिटेटिव फ्रेज. कई बार आपने सुना होगा कि जो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं वो किसी फ्रेज या स्लोगन से अपना प्रेजेंटेशन बिगिन करते हैं. अगर वो नया फ्रेज है, कभी किसी ने सुना हुआ नहीं है या बहुत ही इनोवेटिव फ्रेज है, तब तो आपको इंटरेस्ट आता है उस प्रेजेंटेशन में. अदरवाइज वो कम्युनिकेशन या वो प्रेजेंटेशन बहुत ही मोनोटनस लगने लगती है. तो एक रेपिटेटिव फ्रेज भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. डी आइस ब्रेकर. अब ये आइस ब्रेकर को भी समझना बहुत ज़रूरी है. कुछ ऐसी आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़, ग्रुप एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसा डिस्कशन या कुछ ऐसा इनोवेटिव एलिमेंट जो रेपो बिल्डिंग में काम आता है प्रेजेंटर और ऑडियंस के बीच में. जब तक लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे, जो आपकी ऑडियंस है वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होगी या जिसे हम कहते हैं एक उनका रेपो बिल्ड नहीं होगा आपके साथ, तब तक उन्हें मज़ा नहीं आएगा, तब तक आप इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं बनेंगे. तो जब भी हमें अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है हमें सबसे पहले उनके इस एप्रहेंशन को, उनके इस डिसकम्फर्ट को दूर करना होता है. इसलिए हमें अपनी प्रेजेंटेशन को आइस ब्रेकर से शुरू करना चाहिए. तो यहाँ पर क्लियर कट आंसर डी हो जाएगा. मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. साइंस एंड सिम्बल्स आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर्स. हमने अपनी पुरानी वीडियो में भी कहा था, जिसका लिंक आप ऊपर देख सकते हैं, जहाँ पे हमने कवर किए थे बैरियर्स, वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि जो टाइप्स ऑफ बैरियर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर आपने इन बैरियर्स को रिमूव नहीं किया तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा. सो इन बैरियर्स को एक बार समझना बहुत ज़रूरी है. आइए ऑप्शन को देखते हैं. ए सिमेंटिक बैरियर, बी पर्सनल बैरियर, सी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, डी टेक्निकल बैरियर्स. एक बार इन बैरियर्स को रिवाइज कर लेते हैं. सिमेंटिक बैरियर्स वो होते हैं जो किसी भी वर्ड्स या सिंबल्स की वजह से होते हैं. जब भी कुछ मिसइंटरप्रिटेशन हो जाती है किसी वर्ड्स और सिंबल्स के बेसिस पे, वेदर इट बी ओरल और रिटन, तो हम उसे सिमेंटिक बैरियर कहते हैं. और ये मोस्ट कॉमन बैरियर है क्योंकि ज़्यादातर जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो वर्ड्स और सिंबल्स का ही इस्तेमाल करता है. सेकेंड बैरियर देख लेते हैं. पर्सनल बैरियर. पर्सनल बैरियर्स हो सकते हैं कुछ आपके पर्सनल इश्यूज हैं, आप कुछ पर्सनल इश्यूज फेस कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, लैक ऑफ ट्रस्ट कम्युनिकेटर के बीच में, जो दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये सब कुछ पर्सनल मैटर्स और पर्सनल इश्यूज के वजह से जब आप कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं बना पाते हैं तो हम उन्हें पर्सनल बैरियर्स कहते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हो सकते हैं जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा रिजिड रूल्स फॉलो होते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हायरार्की फॉलो करनी पड़ती है और इस वजह से कम्युनिकेशन में डिले होता है या कहीं भी हिंड्रेंस आती है, तो हम उस टाइप के बैरियर को ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कहते हैं. और फोर्थ टेक्निकल बैरियर. जब भी किसी आप टूल्स इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कुछ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पीकर्स या माइक और उनमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में हिंड्रेंस आ रही है, तो उसे हम टेक्निकल बैरियर कहते हैं.
अब हमने चारों टाइप के बैरियर समझ लिए हैं और यहाँ हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है साइंस एंड सिंबल्स, सो क्लियर कट हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, दैट इज सिमेंटिक बैरियर। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमने चारों बैरियर्स का मतलब ठीक से समझा हुआ है तो हमारे लिए आंसर करना बहुत ही आसान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। द क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड असेंशियली बी ऑफ विच फॉर्म टू प्रोमोट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जहां आपसे पूछा जा रहा है कि किस टाइप का, किस फॉर्म का कम्युनिकेशन होना चाहिए क्लासरूम के अंदर ताकि आप उस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकें। अगेन देखते हैं कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, कंट्रीव्ड, इम्फेथेटिक, एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन डिस्क्रिप्टिव। अब कंट्रीव टर्म का जब तक आपको मतलब नहीं पता होगा तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते हैं। तो कंट्रीव का मतलब वो होता है कि जब किसी कम्युनिकेशन को आप डेलीबरेटली क्रिएट करते हैं, ना कि वो जो ऑटोमेटिकली आया है। तो आप जब कोई कम्युनिकेशन नेचुरली नहीं करते, रादर आप उसे डेलीबरेट बनाने की कोशिश करते हैं या आप जिसे कहते हैं दिखावा करते हैं, वहाँ पे कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाता है। तो कंट्रीव का मतलब ये है, तो ये तो बिल्कुल इफेक्टिव कम्युनिकेशन को प्रमोट नहीं करता। बी, इम्फेथेटिक कंसिडरेशन। इम्फेथेटिक वर्ड ये होता है जब आप सामने वाले की प्रॉब्लम्स को या सामने वाले की इश्यूज को कंसिडरेशन देते हैं, मतलब आप उसको अपनी जगह रख के समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम ऐसा करते हैं तो कम्युनिकेशन बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। फिर भी आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट वो होता है जो कोई भी एक लॉजिकल पैरामीटर या लॉजिकल सीक्वेंस नहीं फॉलो कर रहा होता है, डायरेक्शन लेस होता है। आप कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बिना किसी लिंकेज के, बिना किसी स्टोरी के, बिना किसी कंटेक्स्ट के कम्युनिकेशन करेंगे तो वो कम्युनिकेशन हमेशा इनइफेक्टिव होगा। सो लैक ऑफ कंटेक्स्ट या लैक ऑफ सीक्वेंस भी आपकी कम्युनिकेशन में हिंड्रेंस पैदा कर सकता है, तो सी भी आंसर नहीं है। फोर्थ देख लेते हैं, नॉन डिस्क्रिप्टिव। आपने कुछ वर्ड्स का रैंडमली इस्तेमाल कर दिया विदाउट गिविंग एनी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, तो जब तक आप प्रॉपर डिस्क्राइब नहीं करेंगे उसे, सामने वाला आपकी कम्युनिकेशन को नहीं समझ पाएगा। तो अगेन नॉन डिस्क्रिप्टिव भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा जो क्लियर कट और द मोस्ट सूटेबल आंसर जो इस केस में है वो है बी, दैट इज इम्फेथेटिक। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। वॉट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अभी हमने बैरियर्स के बारे में ठीक से पढ़ लिया है, अब हमें स्टेटमेंट फॉर्म्स में कुछ एलिमेंट्स गिवन हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। एक एक टर्म को, एक एक स्टेटमेंट को ठीक से समझेंगे। देखते हैं, मॉरलाइजिंग, मॉरल्स वैल्यू देना लोगों को, जजमेंटल होना, कमेंट्स देना कंसोलेशन के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर आप टेक्निकली सोचें, अगर आप जजमेंटल होते हैं, किसी के बारे में एक प्री कंसीव नोशन बना लेते हैं, एक मन में अपने विचारधारा बना लेते हैं कि ये इंसान ऐसा ही है, ये इंसान पे मुझे भरोसा नहीं है या ये इंसान मुझसे बात करने के लायक नहीं है, अगर आपकी ऐसी थॉट प्रोसेस है, अगर ऐसा आपका पर्सनल बिहेवियर है और एटीट्यूड है, तो आपका कम्युनिकेशन कभी इफेक्टिव नहीं होगा और ये एक बहुत ही बड़ा बैरियर बन जाएगा आपके कम्युनिकेशन के बीच में। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। साथ ही और ऑप्शंस देखेंगे, डायलॉग, समरी, सेल्फ रिव्यू। जहां भी आप प्रॉपर डायलॉग करते हैं, एक समरी फॉर्मेट में लोगों को कम्युनिकेट करते हैं चीज़ों को, और सेल्फ रिव्यू भी करते हैं कि जो आप कह रहे हैं क्या वो सामने वाला इजी लैंग्वेज में और क्लियर कट लैंग्वेज में समझ पा रहा है कि नहीं, ये हमेशा इफेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रमोट करता है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। थर्ड स्टेटमेंट देखें, यूज ऑफ सिंपल वर्ड्स, कूल रिएक्शन एंड डिफेंसिव एटीट्यूड। बिल्कुल ठीक है, अगर आप सिंपल वर्ड्स का यूज़ करते हैं अपने कम्युनिकेशन में, एग्रेसिव नहीं होते हैं, बहुत ही कामली चीज़ों का जवाब देते हैं, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना ही है क्योंकि आप पेशेंटली डील कर रहे हैं। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है एज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। लास्ट, पर्सनल स्टेटमेंट्स, आई कॉन्टैक्ट एंड सिंपल नरेशन। हमने हमारी पुरानी वीडियो में, पुराने टाइप के क्वेश्चन जो हमने किए थे उसमें हमने पढ़ा था कि एक आई कॉन्टैक्ट नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। तो जब भी आप किसी से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं अलॉन्ग विद वर्बल कम्युनिकेशन, उसे सपोर्ट करते हैं, तो कम्युनिकेशन और इफेक्टिव बन जाता है। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता हमारा एज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। तो यहाँ जो हमारा क्लियर कट और जो मोस्ट सूटेबल आंसर दिख रहा है वो है ए। सो ये एक वो स्टेटमेंट है या इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं इस ऑप्शन में जो बैरियर्स होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। लेट इज मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट एलिमेंट अ टीचर हैज टू टेक कॉग्निजन। कॉग्निजेंस का मतलब होता है ध्यान देना, ऑफ वाइल एड्रेसिंग स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। मतलब इनमें से कौन सी ऐसा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो टीचर को ध्यान देना चाहिए क्लासरूम में स्टूडेंट को एड्रेस करने के लिए। ऑब्वियसली यहाँ पे जो बात है वो यही है कि इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बेटर कम्युनिकेशन या इफेक्टिव कम्युनिकेशन को प्रमोट करेगा। आइए ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। ए, अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अब यहाँ पे इस वर्ड का मतलब जानना बहुत जरूरी है।
प्रॉक्सिमिटी होता है स्पेस डिस्टेंस, तो यहाँ पे वर्ड या जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है वो है अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अगर आप किसी के साथ बहुत क्लोज होकर बात करते हैं तो भी आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, और अगर आप बहुत दूर होकर बात करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है आपके बीच में, तो भी वो एक बैरियर का काम करता है कम्युनिकेशन के अंदर। तो ये तो बिल्कुल हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड, वॉइस मॉड्यूलेशन। हमने अपनी पुरानी वीडियो में जो कम्युनिकेशन की है उसमें हमने बात करी थी कि वॉइस मॉड्यूलेशन होता है जब आप अपनी स्पीच पॉज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, प्रॉपर स्पीड और वॉइस में चेंजेस लाते रहते हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाता है। तो इसीलिए वॉइस मॉड्यूलेशन एक बहुत अच्छा एलिमेंट है जिसमें टीचर को ध्यान देना चाहिए इन ऑर्डर टू हैव अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। फिर भी बाकी ऑप्शंस को देखेंगे एक बार। रेपिटेटिव पॉज, जब आप बहुत जल्दी जल्दी पॉज लेते हैं तो भी कम्युनिकेशन में ब्रेकेज आ जाता है, तो इसलिए ये भी एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। लास्ट, फिक्स पोस्चर, जब आप बहुत ही ज़्यादा स्टैंड स्टिल होके बैठे होते हैं, बहुत ही फिक्स पोस्चर है, तो भी आपको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज आपका जो पोस्चर है दैट शुड एक्चुअली प्रमोट और कॉम्प्लीमेंट योर कम्युनिकेशन। तो इसलिए हमारा पोस्चर फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि हम अपने सिचुएशंस, अपने कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग अपने जेस्चर्स और पोस्चर्स को चेंज कर सकें। तो एक फिक्स पोस्चर इफेक्टिव कम्युनिकेशन को प्रमोट नहीं करता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। सो यहाँ पे जो मोस्ट सूटेबल आंसर हमें लग रहा है वो है बी, दैट इज वॉइस मॉड्यूलेशन। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप जो आज हमने क्वेश्चंस किए हैं वो आपको हेल्पफुल होंगे आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। ऑल्सो हमने एक टेलीग्राम ग्रुप शुरू कर रखा है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उस लिंक पर क्लिक करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम रेगुलर क्विजेज, स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में, एज वेल एज UGC NET Exam से रिलेटेड अपडेट्स उसमें देते रहते हैं। आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं anujindal.in, उस पर सब्सक्राइब करके कोर्सेज के सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।